Suhani, what's going on? Sir, मैं इस पौधे का नाम बॉटनी की बुक में ढूंढ रही हूँ. Very good. Students, ध्यान से सुनिए. हम लोग यहाँ आए हैं अलग अलग पौधों पर जानकारी लेने के लिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मार्क्स आपके फाइनल्स में ऐड किए जाएंगे. Is that clear to all of you? Yes, sir. Excuse me. Hello. हाँ, गवंडे. Hello. हेलो. हाँ, एक मिनट, मैं सिग्नल में आ रहा हूँ. 1 मिनट. चलो सोहनी के पास चलते. हाँ हाँ, बोलो, क्या हाल है यार? अभीर, एक बात तो बता, हमेशा तेरे और मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं? क्योंकि हम दोनों ज्यादा होशियार हैं ना, इसलिए. अच्छा, अगर हम होशियार हैं तो हमारे मार्क्स सुहानी जैसे क्यों नहीं आते? क्योंकि बच्चे, तेरी शक्ल सुहानी जैसी मासूम नहीं है ना, इसलिए. अच्छा, एक बात बता, तुझे अच्छे मार्क्स चाहिए? एक काम कर, एक मोटा सा चश्मा बनवा ले, उसके साथ मोटी मोटी किताबें रख ले. मोटी मोटी? और एक बात, ये अपने प्रोफेसर साहब है ना, इन पर अच्छी तरह इंप्रेशन जमा ले, फिर देख तेरे मार्क्स कहां से कहां पहुंच जाते हैं. क्या मतलब? सही में? तुम लोग हमेशा मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? मैं ये किताबें अपने पढ़ने के लिए लाती हूँ, दिनेश सर के इंप्रेशन जानने के लिए नहीं. और वैसे भी मैं तो बस इस पौधे का नाम ढूंढ रही थी. तुम लोग मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? सुहानी सुहानी सुहानी, प्लीज. हाँ, ये असाइनमेंट पहले ही इतनी बोरिंग है, अब रोज होके इसे और बोरिंग मत बना, प्लीज. हाँ, तुम्हें ना जो करना है तुम करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे. ये तीनों मुझे ऐसे तंग करते रहेंगे, मुझे इनकी शिकायत सर से करनी पड़ेगी. अरे, ये तो सब लोग यहीं थे, कहाँ चले गए? लीला, राघव, अभी सर, ये तो शायद सुहानी की आवाज है. लेकिन अभी तो वो हमारे साथ थी. तो कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ फिर कोई मजाक तो नहीं किया? सर सर सर, आवाज वहां से आई है. सर, सुहानी सुहानी. सर सर, ये आवाज अंदर से आ रही है. सर, सुहानी 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 सुहानी. ए, कौन है? निकल बाहर, ए, निकल बाहर, बाहर निकल, निकल. सुहानी 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 सुहानी, क्या क्या हुआ सुहानी? Sir, Suhani is no more, sir. She's dead. अगर सुहानी यहाँ से बाहर निकली तो तुम सब ने एक आदमी को जो जानवर जैसे दिखता है उसको देखा. हाँ सर, मैं उसे पकड़ने अंदर गया तो वो मुझे धक्का मार के भाग गया सर. और सर, देखने में इतना भयानक था कि मेरी सांसें ही रुक गई. तुम लोगों की टीम में से एक लड़की गायब थी, तुम लोगों को पता तक नहीं चला? सर, पता नहीं कैसे, ये हमारे साथ ही थी, पर अचानक उठी और कहीं चली गई. सर, वो आदमी बहुत खतरनाक था, बिल्कुल जानवर जैसा. ओ, आदमी जैसा जानवर. अब ये कैसे हो सकता है सर? देखते हैं. सर,
ये रही सर। यहाँ से पूरा मांस गायब है, लगता है किसी ने काट के निकाला है इसे। कि मौत उनके साथ में कोई सही किसी हथियार से नहीं मारा गया था, वैसे जैसे जानवर बात करता है। उसी भाई को देखते लगता है कि वो तो खाने वाले हैं। सर आपका मतलब है कैनिबल? कैनिबल आदम को जिस तरह से लड़की को काटा गया है, लगता है जरूर कोई आदम खोरा दी। देखना पड़ेगा कि वो जानवर ही है या आदमी है। इस तरह भागा था? इस तरह जंगल की तरह। जंगल की तरह चलो चलते देखते हैं, रहा बना के खतरनाक हो सकता है वो। चलो कि जंगल में कदम खुरा घुस गया, कहीं कहीं छुपा होगा, क्योंकि बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। यहां पे गुफा है, शायद वो यहां अंदर छुपा होगा। विवेक तुम पीछे से जाओ, ताशा तुम यहां से अंदर घुसो। इसे आदमियों को खाने की आदत पड़ गई है। ये मुझे खाने की सोच रहा है। मैं पकड़ो इसे। सर इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इंसानों का गोश्त खा रहा था। बहुत वायलेंट है। यस सर, दो वार्ड बॉय के हाथ पे काट लिया है इसने, बेचारे दोनों नौकरी छोड़ के भाग गए। तो फिर इसे तुम शांत होने का इंजेक्शन क्यों नहीं देते, सो जाएगा। 15 मिनट पहले दिया था, फिर से उठ गया सर। अब इतनी जल्दी दूसरा इंजेक्शन देना ठीक नहीं है सर। तो जाइए देखिए, कुछ करिए। मास्क क्यों लगाया? अगर हम इसके मुंह पे मास्क नहीं लगाते तो ये हम सबको खा जाता। डॉक्टर ये इतना वायलेंट क्यों हो रहा है? रोशनी की वजह से। रोशनी की वजह से? हाँ। क्यों? क्योंकि ये काफी सालों से अंधेरे में था और अचानक रोशनी में आने की वजह से इसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई हैं सर।
मतलब ये कभी रोशनी में जाता ही नहीं था? नहीं सर, ये रोशनी देख के पागल हो रहा है सर। मगर डॉक्टर साहब, हम तो इससे कुछ बात करना चाहते थे, क्या ये बोल सकता है, हमसे बात कर सकेगा? नहीं सर, ये सिर्फ चिल्लाता है और गुर्राता है, मैंने इसके मुंह से एक शब्द नहीं सुना। तो फिर हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि इसने उस लड़की को खाने की कोशिश क्यों की? सर, ये काफी दिनों से भूखा है, मैंने इसके पेट की जांच की सर, इसका पेट एकदम खाली था, इतना खाली कि इसके पेट के एसिड खुद इसे खा रहे हैं। सर, एक तो ये कुछ बोल नहीं सकता, इसकी उंगलियों के निशान किसी गुनहगार से नहीं मिलते हैं, तो फिर पता कैसे लगेगा कि ये ऐसा करता क्यों है? वही तो, लाश भी है, खूनी भी है, पर सबूत नहीं है। दया, एक काम करते हैं, फिर से किले में चलो। यही वो जगह है जहां पे उस आदमखोर ने सुहानी पे हमला किया था। बहुत बदबू है सर, ऐसे कुछ सड़ गया है। मतलब पहले भी किसी को खाया है साधन खान ने? आदमी को खाता था यार। वो बेचारी लड़की साधन खान की पहली शिकार नहीं है। हड्डियों के बीच में रह रहा था। इन सारी हड्डियों को देखकर लगता है कि काफी समय से खा रहा है ये लोगों को। हाँ सर, मगर उसने इन सबको मारा कैसे होगा? या तो कोई हथियार वगैरह देख ही नहीं रहा। शायद जिंदा ही खा लेता होगा, जैसे उस बेचारी सुहानी को खाने की कोशिश की थी उसने। पर एक बात तो साफ है, वो सिर्फ खाने के लिए मारता था इन लोगों को। ये देखो, ये कपड़े, ये वॉलेट, ये सब वैसे के वैसे ही है। आशा, ये सारी चीजें उठा लो, सारी जो कुछ भी आए सब उठा लो। शहर के बीचों बीच एक आदमखोर, आदमियों को खाने वाला एक इंसान। पैसे, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ वैसे का वैसा, किसी ने कुछ निकाला भी नहीं। मतलब साफ है सर, ये खून पैसे के लिए तो किया नहीं गया। हाँ सर, इन ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड से हम पता लगा सकते हैं कि किसी ने इनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। विवेक, कैसा कैसा? विवेक जरा पता लगाओ हमारे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में से, देखो इन लोगों के गायब होने का रिपोर्ट दर्ज किया है। कैसा? हाँ विवेक, कुछ मिला? हाँ सर, ये एक मैच हो गया सर। गुड, दूसरा? ये भी मर गया बेचारा। जब हम इनके मरने की खबर परिवार वालों को देंगे तो क्या बीतेगी उनके साथ? मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतने सारे लोग गायब हुए उस किले में से और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। सर, ऐसा कोई कंप्यूटर हमारे देश में लगा हुआ तो है नहीं जिसमें सब खोए हुए लोगों के बारे में जानकारी हो। काफी लोग तो सर रिपोर्ट लिखवाते भी नहीं है। ज्यादातर ऐसे होता है कि अगर आदमी जल्दी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो लोग हाथ पैर मारने बंद कर देते हैं, केस फाइल में चला जाता है, माँ बाप रिश्तेदार बेचारे रो धो के चुप बैठ जाते हैं। सब? हाँ विवेक, इन 15 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट है हमारे पास, और सर ये सब के सब एक साल से लेके पिछले 2 महीने के बीच में गायब है। मतलब सर, ये आदमखोर पिछले 1 साल से आदमी का मांस खा रहा है। सर, रात में तो कोई इस किले में घूमने जाता नहीं है, दिन में ये आदमखोर बाहर निकलता नहीं है रोशनी की वजह से, तो इतने सारे लोगों को इसने मारा तो मारा कैसे?
वही तो। दिन में ये आदमखोर बाहर निकलता नहीं और रात को वहां उस किले में कोई जाता नहीं। अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सचिन एक काम करो, इन सारे लोगों के घर जाओ और उनके लोगों से मिलो और पता लगाओ कि ये लोग गायब हो गए तो कैसे और कहां से। हाँ सारंग, यार जब भी सीरियस डिस्कशन होता है तेरा फोन आता है, क्या है? हाँ बोलो। क्या? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ओके डॉक्टर सारंग, कभी सोचा था कि इस तरह की चीज भी देखनी पड़ेगी? ना, नहीं सोलन, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा केस भी आएगा जब शहर के बीचों बीच आदमी आदमी को मार के खाएगा। हाँ सारंग, हड्डियों के बारे में क्या पता चला? हाँ बॉस, हमने इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट कर लिया। और एक तो वैसे ही दिमाग खराब था जब ये पता लगा कि शहर के बीचों बीच आदमी आदमी को मार के खा रहा, और भी दिमाग खराब हो गया जब ये पता लगा कि ये सारे के सारे लोग 70-80 साल के थे। 70-80 साल के लोग? हाँ। सब 15 के 15? हाँ जी, 70 साल से कम का तो कोई भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है। मतलब सर, इस आदमखोर आदमी को 70-80 साल के लोगों का मांस खाना पसंद है? लगता तो यही है। और यही नहीं, इससे भी ज्यादा अजीब बात पता लगी है। वो क्या? सर, इन हड्डियों के कोनों को जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, देख रहे हैं? इन हड्डियों को काटा गया किसी चीज से? मेरे ख्याल से इस तरह के किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया। और एक बात और, ये हड्डियों को देखो, लगता है सारी की सारी हड्डियां लगभग एक ही साइज की, जैसे किसी ने नाप के काटा है हड्डियों। ये आदमखोर जो आदमी कम और जानवर ज्यादा है, वो कैसे नाप सकता है हड्डियां? नाप के क्यों काटेगा, नाप के क्यों खाएगा? सर, जहां पे हमें ये हड्डियां मिली है वहां पे हमें कोई औजार भी तो नहीं मिला है। बॉस, आप लोग माने या ना माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी हड्डियां किसी सर्जिकल सॉ से काटी गई। कैसे? कैसे? एक जानवर जैसा आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? सर, इन 10 गुम हुए लोगों के परिवार वालों से जब बात की तो पता चला कि ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुम हुए। हाँ सर, और कुछ लोग सुबह घूमने गए थे पार्क में, कुछ लोग मॉल्स में और मेले वगैरह में, वहां से गायब हो। तो क्या उन लोगों के साथ कोई और नहीं था जब उनका किडनैप हुआ? नहीं सर। मॉल्स में से, मेले से और सुबह पार्क में से? पर सर, ये आदमी तो दिन में बाहर निकल ही नहीं सकता था। दया, मुझे तो लगता है कोई और भी मिला हुआ है उस आदमखोर के साथ, कोई और भी मिला हुआ है। मुझे भी यही लगता है सर। एक तो ये आदमी जंगल में रह कर जानवर बन चुका है, उसे बोलना तक नहीं आता, और जैसी उसकी हालत है वो कहीं भीड़ में छुप भी नहीं सकता सर। ये किडनैपिंग कैसे कर सकता है? वही तो, वो कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं दया, कोई और भी है जो उस आदमी को लाशें देता है लाकर खाने के लिए। हाँ सर, लेकिन ऐसा किसके दिमाग में आया होगा कि आदमी को किडनैप करके खून करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करके आदमखोर को खिला देना? इसका जवाब विवेक हमें उस किले में से मिलेगा। उस किले में से? एक बात तो पक्की है, वो आदमखोर अपना शिकार ढूंढने के लिए खुद बाहर नहीं आता है। जरूर कोई ना कोई तो है जो उसके लिए लाशें यहां लेके आता है। हाँ सर, वो रास्ता हम लोग ढूंढ सकते हैं जहां से वो आदमी लाशों के टुकड़े उस गुफा के अंदर लेके आता था। उन टुकड़ों को वो किसी बैग में डाल के लाता हूं, क्योंकि एक दो नहीं, करीब 15-20 लाशें यहां लाई गई है। सर, इन लाशों को वो किसी गाड़ी में लाता होगा और गाड़ी को किले के बाहर वहां खड़ी करता होगा, और यहां तक आने के लिए वो किसी रास्ते से चढ़कर आता होगा। सर, तुम वो रास्ता ढूंढ सकते हो? चलो देखते हैं।
ये रास्ता हो सकता है। ये छोटा सा रास्ता नीचे तक जाता है, एकदम सुनसान है। यहाँ पे नीचे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इस रास्ते को अच्छी तरह से देखो। ये देखिए, ये यहाँ पे खून लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी खून लगा हुआ है, मतलब यहाँ से, यहीं से लाई गई है लाशें। ये क्या है? ऐसा लगता है कि लाश को बैग में डाल के यहां से ले जाते वक्त वो बैग इस दीवार से टकराया होगा। यहां पे भी कुछ है। रेशे, कभी दीवार में रेशे फंसे हुए देखे? सर ये रेशे उस बैग के हो सकते हैं। हो सकता है ये रेशे उस बैग से ही आए हैं। अंकित साहब, ये आपकी चाय काफी देर से उबल रही है, अब तो बता दो इसमें है क्या? हाँ यार सारुन के, टाइम पास बंद करो, जल्दी से बता दे ये रेशे किस चीज की है। टाइम पास कर रहा हूं मैं। नहीं तो क्या? एक मिनट बॉस, ये किसी बोरी के रेशे हैं। ये टाइम पास नहीं तो क्या सारुन के साहब, ये तो हमें भी मालूम है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन ये छोटा मोटा चूहा नहीं अभिजीत साहब, इस रेशे पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी है, मतलब समझते हैं? क्या मतलब? ये कि इसमें चावल या आटा, क्या चावल या आटा? आटा सर। बोरी के अंदर लाश के टुकड़े भी रखे गए थे। लाश के टुकड़े भी? जी सर। हाँ सर, रेशे के ऊपर आदमी का खून लगा हुआ है। तो इसका मतलब है खूनी लाश के टुकड़े करके बोरी में भर के लाता था उस आदमखोर के लिए। एक बात और है सर, लाश के पास से जो हमें कपड़े मिले थे वो फटे हुए नहीं थे, बिल्कुल सही सलामत थे। मतलब सर, पहले लाश के कपड़े निकालता था वो, फिर उनके टुकड़े करता था। सर, सर जुहू पुलिस स्टेशन से पता चला है कि चार दिन पहले जो किताबों की एग्जीबिशन हो रही थी वहां से एक 75 साल का आदमी लापता हो गया सर, उसका नाम रमाकांत है। रमाकांत 75 साल का? सर लगभग उसी उम्र का है ये आदमी जो गायब हुए थे। हाँ दया, और अगर वो रमाकांत अभी भी उस खूनी के कब्जे में है तो जरूर उसकी लाश के टुकड़े करके लेके आएगा उस किले में उस आदमखोर के लिए। लेके तो दूर कोई घूमने भी नहीं आया यहाँ पे। उस आदमखोर की मेडिकल रिपोर्ट में भी लिखा था कि वो हर रोज नहीं खाता बल्कि बहुत दिनों में एक आध दिन ही उसे खाने को मिलता है। क्या कौन है इस वक्त यहाँ? सर वही आदमी। अकेला नहीं है, साथ में कुछ लेके आया है। हाँ सर, वो देखिए बोरी में से हाथ निकला हुआ है। हाँ ये वही आदमी है। चुप जाओ, चुप जाओ। रुक जा, गोली मार दूंगा। सचिन ये पूरी उठा लो, मैं नीचे जाके देखता हूं।
सीधे सर के बल गिरा, बचने का कोई चांस नहीं। सर ये देखिए लाश के टुकड़े हैं इसमें, पर ये आदमी उस आदमखोर के लिए लाश लाता ही क्यों था? पैसे पैसे हैं, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस, ना कोई आईडी कार्ड है, कोई नहीं हमने। फिर हो सकता है इसकी गाड़ी से कुछ मिल जाए, चेक करते हैं। प्लीज देखिए इसका तो नंबर प्लेट हुआ, बहुत अकलमंद आदमी था। गाड़ी को चारों तरफ से खोल के देखो, सर। गाड़ी का इंजन नंबर और चैसिस नंबर दोनों जैसे मिटा दिया। ओ, एक काम करो, नीचे झुक के देखो कुछ दिखता है क्या? यस सर। देखो का एक्सेल नया है, एकदम नया। अच्छा तो फिर तो उस पे नंबर लिखा होगा। हाँ सर, स्टिकर है, देखो। मिल गया सर। कंपनी का नाम ऑटो ऑन प्राइवेट लिमिटेड है और कोड KBC AUG है। गुड, इस कोड नंबर से पता कर सकते हैं कि इस गैराज में ये बदलवाया गया। हमारा काम तो हो गया, इस नंबर से पुणे का इतिहास पता चल सकता है। सर इसके वॉलेट में ये 200 रुपए हैं, ये कुछ चिल्लर पैसे हैं सर, और खाने की चीजों का लिस्ट, एक लड़की का फोटो भी है सर। लड़की का फोटो? देखते हैं। हाँ विवेक, उस आदमी की उंगलियों के निशान से कुछ पता चला? नहीं सर, उस आदमी की उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। रिकॉर्ड्स में नहीं है? एक काम करो, इस लड़की का फोटो स्कैन करके देखो, देखो हमारे पास इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स है क्या। एक चांस लेकर देखते दया, हो सकता है इस लड़की के जरिए हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चल जाए। सर इस लड़की की शर्ट की जेब पे कुछ लिखा हुआ है सर। हाँ सर, कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, विवेक जरा ज़ूम करो उसमें। यस सर। दो लेटर है सर इंग्लिश में, नीचे का हिस्सा कटा हुआ है। काम करते हैं, ये A to Z सारे अल्फाबेट्स बीच में से काटो और उन्हें मैच करके देखो, मैच करो इन दो लेटर्स के साथ, देखो। सर ये अक्षर या तो JF है या फिर JE। JE या JF? सर ये किसी कंपनी का यूनिफॉर्म हो सकता है जिसका नाम JE या JF से होगा। ठीक है फिर JE से ट्राई करो, देखो किस कंपनी के इनिशियल से। अच्छा सर, JE नाम की कोई कंपनी नहीं। JF ट्राई करो। JF मतलब जैज फिज, ये कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है सर। जैज फिज, जैज फिज,
पता लगाओ इस रेस्टोरेंट के बारे में, जैज फेज। ये लड़की वहीं पर मिलेगी। सर, सर उस कार में मिले कोड नंबर से हमें उस गैरेज का नाम मिल गया जहाँ से वो पार्ट बेचा गया था। गुड, तो ये गैरेज वाला जरूर उस आदमी के बारे में जानता होगा। पता लगाओ इस गैरेज वाले से उस आदमी के बारे में। जरा सुनो। नमस्ते साहब, कहिए कुछ काम है? हाँ, गाड़ी ठीक करानी है, पर आप तो खाली आते हैं। खाली हाथ इसलिए आए कि हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी गाड़ी यहीं बनाई गई है तुम्हारे गैराज में। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बहुत गड़बड़ है। जिप्पी 200, इस मॉडल की गाड़ी आई थी तुम्हारे पास? जिप्पी 200? सब कुछ याद नहीं आ रहा। अगर सुनोगे कि हम लोग कौन हैं, तो सब कुछ याद आ जाएगा। हम लोग CID से हैं। CID? सॉरी साहब। एक आदमी की मौत हो गई है जिसकी गाड़ी का एक्सेल आपके गैराज में लगाया है, उस पर ये नंबर लिखा हुआ था। KBCAUG। अरे सुनो। यस सर। ये फोटो देखो, ये लड़की यहाँ काम करती है? ये लड़की? नो सर। एक्सक्यूज मी, ये लड़की यहाँ पे काम करती है? सर ये तो ट्रेन का है, यहीं पे काम करती है। यहीं पे काम करती है? सर। तो तुम्हारे उस्ताफ ने झूठ क्यों बोला कि वो यहाँ काम नहीं करती? सॉरी सर, वो नया है, शायद उसे मालूम नहीं है। पर आप लोग कौन? हम लोग CID से। CID? तो प्रियंका को बुलाओ, आई है ना वो आज? हाँ सर, अंदर किचन में है। प्रियंका, क्या बात है? देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं। हमें इस कंपनी से पता चला है कि KBCAUG नंबर का एक्सेल आपके गैराज में भेजा गया था, और जिस गाड़ी में ये एक्सेल लगाया गया है वो गाड़ी एक खूनी की। इसी कोड नंबर के एक्सेल के साथ चार और एक्सेल हमने मंगवाए। चार एक्सेल और मंगाए थे? तो वो चारों भी लगा दिए क्या गाड़ी में? हाँ सर, लेकिन किस गाड़ी में कौन सा एक्सेल लगाया हुआ है ये बताना मुश्किल है। एक काम करिए, हमें उन सभी गाड़ियों की डिटेल्स दीजिए जिनमें ये एक्सेल लगाए गए, उनके एड्रेस वगैरह सब कुछ। यस सर। ये लोग CID से हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। CID? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ सर? जरा ये फोटो देखो, इसे जानती है आप? ये तो रमेश है सर, मेरा बॉयफ्रेंड। क्या हुआ ऐसे? ये हमसे भाग रहा, किले पर से गिरकर मौत हो गई उसकी। क्या? मैं जानती थी कुछ ऐसा ही होगा सर, मैंने इसे बहुत बार मना किया पर ये हमेशा कुछ उल्टा सीधा काम करता रहता था। उल्टा सीधा काम? क्या करता था सर? वैसे तो ये BKP हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था, पर क्या, पर इसके पास पैसे बहुत आते थे, मुझे पता नहीं कहाँ से। मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की पर इसने मुझे कुछ नहीं बताया सर। ठीक है, रमेश का टेलीफोन नंबर और एड्रेस दे रहा है ना तुम्हारे पास? ये देखिए सर, उन चारों का एड्रेस। ये क्या है? लिमोना धाम भानो व्हीट हाउस के पास। इसमें कस्टमर का नाम नहीं लिखा? हो सकता है कि कस्टमर नाम लिखना भूल गया हो सर, अक्सर हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। थाना वीट हाउस से तो आटे का गोदाम है। मतलब ये कि बोरे में चावल या आटा। और जिन बोरियों में लाश ले जाई गई है उसमें भी आटा लगा था। क्या नाम है? लिमोना धाम। हाँ अभिजीत, गाड़ी के एक्सल पर से तुमने उसका एड्रेस निकलवा लिया। ग्रेट जॉब। अब और एक काम करो, उसी पते पर जाओ, अच्छी तरह से पूछताछ करो और मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ओके? ओके। लिमोना धाम, उन्हीं का यही घर है। तो अंदर घुसे। चलो, ये संभाल के काजल, कुछ भी हो सकता है। सर
ताला लगा है। सर देखो अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? सर काजल ये सब क्या है? काम करो घर को अच्छी तरीके से चेक करो। सीआरी से वो लाश को काटते हैं। सर गेहूं की बोरी सर लगता है वो कटी हुई लाश इसी में डाल के ले जाता है किले पर। इसका दिमाग खराब हो गया है। कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करेगा। सर उस गैरेज वाले ने हमें यही क्या एड्रेस दिया? यही एड्रेस दिया? अभिजीत उस प्रियंका ने रेस्टोरेंट वाले लड़के ने भी हमें यही एड्रेस दिया। रमेश उसका बॉयफ्रेंड था। सर देखिए यहाँ क्या क्या चल रहा है। सारा खून तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोगों को मारता क्यों था। मगर अभिजीत एक मामूली सा वॉल बॉय, क्या एक मामूली सा वॉल बॉय ये सब कर सकता है? अब सर लग तो ऐसा ही रहा है सर। और तो और उस प्रियंका ने बताया कि इस रमेश के पास अचानक से बहुत पैसा आ गया, तो इसका मतलब है जरूर कोई और भी है जो इस रमेश से ये काम करवाता था और जिसके बदले में रमेश को पैसा मिलता था। हो सकता है सर कोई ऐसा आदमी जो उसी हॉस्पिटल में काम करता हो। BKP हॉस्पिटल क्या ये मर चुका है? मगर सर रमेश ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता है। ये यहाँ का सीनियर वार्ड बॉय था। आप इसके साथ काम करने वाले बाकी वार्ड बॉयज को बुलवाइए। जी सर। हेलो चंद्रेश तुम यहाँ जल्दी रिसेप्शन पे आओ। हाँ और सुनो अनीश को भी साथ लेते आना जल्दी। ठीक है। क्या बात है लेली? एनी प्रॉब्लम? कैलाश सर ये लोग CID से हैं। वार्ड बॉय रमेश के लिए कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। डॉक्टर प्रकाश आपकी कैजुअलिटी वार्ड में सख्त जरूरत है। क्या बात है? आपका ये वार्ड बॉय मर चुका है लेकिन ये खूनी था। खून करने के बाद लाश के टुकड़े करके ये एक आदमखोर को खिलाता था। क्या शहर में आदमखोर? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है डॉक्टर और वो ये सब अकेले नहीं करता था। लाश के टुकड़े एक ऐसे आरी से किए गए हैं जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब यही है कि इसी हॉस्पिटल का कोई आदमी उसके साथ मिला हुआ है। सर ये शहर का जाना माना हॉस्पिटल है। हम जान बचाने में यकीन करते हैं ना कि जान लेने में। मुझे नहीं लगता यहाँ का कोई भी स्टाफ ऐसा कुछ कर सकता है। आपके यहाँ काम करने वाला ये रमेश खूनी हो सकता है तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। आप चाहते क्या है? हम रमेश के साथ काम करने वाले बाकी वार्ड बॉयज से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। नमस्ते सर मैं चंद्रेश। भैया अनीश आपने हमें क्यों बुलाया सर? ये लोग CID से हैं। रमेश मर चुका है। क्या? और ये लोग तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। क्या हुआ था उसे सर? गुनेगार था वो खूनी। लाश के टुकड़े टुकड़े करता था वो किसी के साथ मिलके। खून लाश के टुकड़े? डॉक्टर प्रकाश आपकी कैजुअलिटी वार्ड में सख्त जरूरत है। इसलिए उसके बारे में जो कुछ जानते हो सब सच सच बता दो। ये बताओ वो किस किस से मिलता था? तुम दोनों तो दिन भर उसके साथ रहते होंगे ना?
हाँ पर क्या? पर पिछले एक साल से उसके पास बहुत पैसा आ गया था सर। उसने एक नई गाड़ी भी ले ली थी सर। अच्छा, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं उससे कि अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? पूछा था सर, उसने बताया उसकी लॉटरी लग गई है। देखो, खून का मामला है, इसलिए जो कुछ जानते हो साफ साफ बताओ। किस किस से मिलता था वो, किससे ज्यादातर बात करता था? डरने की कोई बात नहीं है, जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दो। सर, इस हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन हैं डॉक्टर ललित, उनके साथ रमेश की बहुत दोस्ती थी, वो अक्सर उनसे बात किया करता था। हमें बहुत अजीब लगता था ये सर। सीनियर सर्जन से दोस्त? कहाँ है अभी ये डॉक्टर ललित? ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन चल रहा है सर, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस पेशेंट को भी वो ऊपर पहुंचा दे। ऐसा लगता तो नहीं कि हॉस्पिटल के अंदर वो पेशेंट के साथ ऐसा करेगा। थोड़ा वेट करते हैं। सिस्टर जी, आज सुबह जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया है, आईसीयू में जाकर चेक करो उसकी तबीयत कैसी है। जी ठीक, ओके। एक्सक्यूज मी। यस, आप ही डॉक्टर ललित हैं? आप लोग पेशेंट के रिश्तेदार हैं? हम तो सबके रिश्तेदार हैं, सीआईडी से हम लोग, आपसे कुछ बात करनी है। सीआईडी से? मुझसे बात करनी है? मैंने क्या किया है? डॉक्टर ललित, पिछले एक साल से 70 से 80 साल के लोगों का खून हो रहा है, उनकी लाश को काटा जाता है, और जिस बारीकी से काटा गया है ये कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसे सर्जरी की अच्छी जानकारी हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इन सब के पीछे इस हॉस्पिटल का वार्ड बॉय रमेश का हाथ था। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? हमें पता चला है कि आपकी वार्ड बॉय रमेश के साथ कुछ खास दोस्ती थी। कहीं वो आप ही तो नहीं बूढ़े लोगों को मारकर आदमखोर को खिला रहे हैं? है? पिछले हफ्ते भी एक बूढ़ा आदमी किडनैप हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा रमेश से कोई लेना देना नहीं था। सर ने ब्यूरो ले चलते हैं, वहां पे सब कुछ याद आ जाएगा इन्हें। मेरी बात मानिए सर, मैं यहाँ का एक विजिटिंग सर्जन हूँ, और आप पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं अमेरिका में था और आज सुबह लौटा वहां से। तो फिर ये वार्ड बॉय अनीश क्यों बोल रहा था कि रमेश के साथ आपकी अच्छी दोस्ती थी? अब मैं क्या जानू अनीश ने आपको ऐसा क्यों बोला? डॉक्टर साहब, वो बुरा पेशेंट आईसीयू से गायब हो गया सर। पेशेंट गायब हो गया? माय गॉड, चलो। धोना, इतने सारे खून किए तुमने और फिर लाशों के टुकड़े करके उस आदमखोर को खिला दिया, हाँ? उससे बड़े जानवर तो तुम हो। क्यों किया ये? हाँ? बेचारे बूढ़े लोगों को मारता है, हाँ? क्यों मारा? सर, मैं तो बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था। अरे, 5 बार मेडिकल का एग्जाम भी दिया पर हर बार फेल हो गया। मैं तो सिर्फ वो दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे आदमी की जिंदगी लंबी हो जाती है, इसलिए सिर्फ बूढ़े लोगों पे आजमा कर देख रहा था, अगर वो सब के सब मर गए। तेरी लाइफ लंबी मैं करूंगा और तुझे किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझा? मासूम लोगों को मारता है, कहाँ मिला ये आदमखोर तुम्हें? वो तो मेरा नसीब था, मुझे मालूम था कि वहां किले में ज्यादा आदमी आते जाते नहीं है, इसलिए मैं लाश को एक सुनसान कोने में फेंकने गया तो मैंने देखा कि ये
मैंने सोचा अगर कोई फंसेगा तो वो आदमखोर ही फंसेगा, लेकिन लेकिन तुम्हारा नसीब खराब। वो आदमखोर तो बात नहीं कर सका, मगर उन हड्डियों ने हमें तुम तक पहुंचा दिया। अब फांसी का ऑर्डर आने तक जेल में सड़ते रहो, बनाते रहो वो दवाई अमर होने की। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.